हेलो फ्रेंड्स, बबीता रानी फिर से गुस्से में है, फिर से वो खड़ी है एक चाबुक लेके सबको मारने के लिए। बबीता रानी ऐसी हरकत करती क्यों है? मालूम है तो चरित्रहीन नहीं है, मालूम है तो बहुत शरीफ है, मालूम है तो ऐसी हरकत कभी एक साल में की ही नहीं है। पर तुझे ये पता नहीं या हमें पता नहीं है कि सोबत का असर क्या होता है? तू किसकी सोबत में आजकल है? तुझे ये पता नहीं है गेहूं के साथ भी खून पिसा जाता है? तो यही आज तेरे साथ हुआ है। तू अगर ये हरकत करती नहीं तो आज तो इतनी ट्रॉल होती नहीं। बहन मानते हैं बहन। तो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी, मैं ये बबीता रानी के बारे में बात कर रही हूँ। बबीता रानी आज फिर से ट्रॉल हो गई है, और जब ट्रॉल हो गई है तो फिर से बौखला गई है, फिर से कुछ क्या कुछ अपनी सफाई में बोल रही है। मैं अभी आपके सामने वो क्लिप चलाऊंगी। और ये बबीता रानी जी ऐसी हरकत करती क्यों है जी आप? क्योंकि आपको आजकल शौक हुआ है सीमा की लाइफ में आके बैठना, हल्ला गुल्ला करना, मस्ती करना। आप अपनी लाइफ में तो आजकल बैठती नहीं ज्यादा, बस सीमा की लाइफ में बराबर आके एक घंटा बैठती हो, है ना? तो यही तो फिर आपके साथ होना था। सोबत का असर, आप जो सोबत में रहोगी तो आप पे भी छुट्टे आएंगे ना? छुट्टे तो आए आज। तो आज आप अपनी सफाई दे रही हो, तो ऐसी हरकत करना ही नहीं चाहिए था। फ्रेंड्स, इसने क्या किया है, आप पहले ये क्लिप देखिए और पहले ये तस्वीर देखिए। देखा आपकी तस्वीर? तो ये तस्वीर को लेकर इसको ट्रॉल किया जा रहा है। तो अभी ये ट्रॉल बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, तो अब सफाई देने आ गई है। और वो सफाई क्या दे रही है ये भी क्लिप चला रही हूँ, आप पहले सुन लीजिए। और क्लिप दिखाने से पहले और एक बात बता दूं मैं आपको, ये लाइफ में जो ये हरकत हुई थी, जिस तरह ये उसका आपने देखा ये तस्वीर किस तरह इसका ये हिस्सा एक्सपोज हुआ है, तो मैं भी उस लाइफ में मौजूद थी, उस दिन में वो लाइफ देख रही थी। तो तभी ये हरकत की थी ना, तो मैं तभी ही सोची थी अब ये ट्रॉल बहुत बुरी तरह से होने वाली है। और शायद इसने भी अंदाजा लगाया होगा लाइफ के बाद कि हम अभी मेरे को ट्रॉल करेंगे, पर क्या करें, मजबूरी है लाइफ में, तो कोई कटिंग कर नहीं सकते हैं कि लाइफ खत्म होने के बाद डन करना पड़ता है, सीधा वो पोस्ट हो जाता है। तो ये लोग ने ट्रिमिंग भी नहीं किया वो पार्ट को, और उनको ये जरूर यकीन था कि ये ट्रॉल होगी होगी, और आखिर में हो गई। और इसको इतना पता नहीं कि ट्रॉल होगी, तो ये आस्था माँ ने इसको ये वीडियो भेजा कि देख तू ट्रॉल हो रही है, क्या हरकतें तू कर रही है करके। आस्था माँ ने इसको वीडियो भेजा, इसने देखी, तब ये अब ये वीडियो बना के बता रही हमें कि क्यों मुझे ट्रॉल कर रहे हो, मैं तो शरीफ जादी हूँ, मुझे किस सीमा समझ के रखा है। और सीमा का केस जो भी है, सीमा को लेन देन केस विस वो थाने में चल रहा है, थाना में जो भी करना है वो कानून कार्रवाई होगी, हम भी उसमें जो बोलना है बोलेंगे। तो इस तरह सफाई दे रही है। तो भगोड़ी सीमा के साथ तू बैठेगी उठेगी, जो जो हरकतें करेगी कि हमको दिख रहा नहीं है किस कदर, अगर तू ये हरकत करती नहीं है, तू बोलती चरित्रहीन तू नहीं है, तो फिर तेरी सीमा तो चरित्रहीन है। तू तो जानती है, तू सास है, कभी सास होके तूने इसको चुप कराया है, सही सलीखा सिखाया है इसको, हंसती तो उसके साथ बैठकर। तो फ्रेंड क्लिप देखिए। ये तुमने सबने एक बात कहना चाहूं, भाई मेरे यूट्यूब परिवार है पूरा, कि मतलब कि मेरी कोई थोड़ी सी गलती होने के बाद ही कोई, मैं तुम्हें इतनी चरित्रहीन दिख रही हूँ कि जो मैं अपना चरित्र दिखा दूंगी, आज तक भी कोई मैंने ऐसी वीडियो बनाई है कि जो मेरे चरित्र तुम्हें दिखो है। एक गलती थे मैं बाद में सीमा के संग लाइव चली गई, तो एक गलती थे वो आने मैं माइक चेक करने लग गई, माइक सो छोटो सो कालो सो, तो आने पहले तो मेरे लगा दियो कि मम्मी यहाँ लगा लू मैं इनकी, वो हमने कभी लगाए हुए ऐसी चीज तो हमें वही पता भी पड़े, हमें का पता कि माइक चालू है कि बंद है, हमें का पता। अब बोली वो मम्मी क्या चेक करके देखो कि चालू है कि बंद है, इनकी ले तो ना, अब मैंने ऐसे करके नौ नया की पल्लो हटाया है, तो जूम कर करके यहाँ हाल से मेरी बदनामी कर रहे हो तुम, अपने अपने देश की बहन बेटी की बदनामी तुम यहाँ हाल से कर रहे हो, अच्छे लग रहे हो है? चलो मुँह पे गलती थे, वो पल्लो मेरा हेट गो थोड़ा सो, तो तुम इतना जूम कर करके ऐसे करोगे है? तुम्हें मैं इतनी चरित्रहीन दिख रही, कौन से दिन तुम्हें मैं ऐसी दिखी हूँ कि जो मैं अपने चरित्र दिखाऊ? मैं वीडियो मेरे बेशक एक रुपया मत आओ, मेरा चैनल बंद बेशक है जाओ, मो चैनल की कोई परवाह ना, इज्जत एक बार जावे ना तो इज्जत बार बार ना आवे। इतनी बेशर्म औरत ना हूं मैं कि जो मैं इतनी मतलब मैं अपने अपने चरित्र दिखाऊंगी मैं का चंद पैसन के लिए, इतनी चरित्रहीन ना हूं मैं। मगर मैं जाने भी मेरी वीडियो मेरे ऊपर बनाई है ना, मैं वहां भैया हो बहन हो चाचा ताऊ मेरे कुछ भी लगता हो, हाल में तो वो भैया ही है। मगर इतना मैं कहना चाहूंगी, भैया तेरे घर में बहन बेटी ना है, तू चल मेरो मेरे अधबूढ़ी औरत हूँ मैं, कोई मैं जवान जवान भी ना हूँ, मैं नाई जी मैं जवान जवान हूँ, मैं अधबूढ़ी औरत हूँ, तू मेरो मेरे बालक बराबर की, तू मेरा चरित्र ऐसे दिखा रहा हो, तू अच्छा लग रहा है? चल तू तो ना तेरी बात बड़ी कर रही हूँ, तू मेरे भैया बेटा काई की उम्र को तो है, मेरे भैया भी तेरे संग के है, मेरा बेटा तो तनक बना की छोटा होगा, मैं तुम अच्छा लग रहा है? पता तू चल तू ऐसी बना रहा हो वीडियो मेरे ऊपर,
भाई मेरी गलती ये है कि मैंने पल्लो थोड़ा सा उठा दियो और पल्लो न उठा कर मैं माइक निकाल रही मैं गिले माइक ले वाने को माइक चेक कर रही कि आवाज है मैं आ रही है करा रही वाई भी नो पता नहीं कि इतना तमाशा बन जाएगा और खुद मोई पता नहीं कि मेरा इतना तमाशा बन जाएगा। तुम्हें मेरे तमाशा मनाने में तनक भी शर्म ना आवे है तुम्हें मैं ऐसी लग रही हूँ मतलब तुम्हें इतनी सी भी तुम इतने दिन से मुझे देख रहे हो कम से कम एक साल है नहीं भाई मेरे चैनल है वहां कुआर के महीना में एक साल है जाएगी है तुम्हें इतने दिन से देख रहे हो तुम्हें नोई ना पता होगा कि कैसी चरित्र की है तुमने मेरे कैद चरित्र घर तो देखो भाई तुम कम से कम इतनी सी चीजें पकड़ लो मेरी है तो कम मेरी तुम मेरी अच्छी सी गलती है गई तो तुमने जूम कर करके कोई इतना कर दिया तुम्हारे घर में बहन बेटी ना घर में तो तुम्हारे में भी बहन बेटी है ऐसी बात ना है जब बेटा है तो माँ भी है और बहन भी होगी जब बेटा है तो तू सब कुछ होगा तेरे बहन भी है बेटा भी होगा कहीं को बाप कहीं को भैया भी है कहीं को बेटा भी है कहीं को मामा भी है कहीं को मौसा भी है सब कुछ सब चीज हो में है ना। और हमारे भारत देश की क्या बात है हमारे भारत देश की ये है ये पहचान कि हमारे भारत देश की महिला को अगर जो खुद ही नंगी है रही है भाई कोई भी है चाहे मैं ही हूँ जो खुद ही नंगी है रही है रोज ही नंगी है के दिखा रही है वहां पे हक है बोलने को वाकू नो ना कह रही मैं कह वाकू मत बोलो बोलो वाकू मगर जो मेरी एक दिन की गलती है कि तुमने मेरी एक दिन की गलती कितना बड़ा सो कर दियो है तुम्हें मैं ऐसी दिख रही हूँ जो मेरे कभी मैं उल्टे पल्ले में हूँ तो उल्टे में आऊंगी इस लाइफ अगर जो कहीं गई होंगी तो आऊंगी उल्टे में और बात बाकी सीधे में ही आऊंगी मैंने कभी फैशन करके भी ना आऊं क्योंकि मैं साधारण औरत हूँ मैं कोई इतने फैशन बिल ना हूँ कोई मैं पढ़ी ना लिखी ना मैं एकदम साधारण सी घर से औरत हूँ तुम मेरा इतना मजाक बनाओ मैं उनसे भी कहना चाहूंगी भाई मेरा मजाक बनाओ तुम सोच समझ के तो बना करो चलो मेरा मजाक बनाओ तुम मैं ना करी तुम मत बनाओ तुम चिड़ो सीमा बजंती तो कम से कम सोच समझ के तो बना करो मजाक इतनी मजाक बनाओ तुम अच्छे ना लगे ना ये बात मुझे तो तुम्हारे भारत की बहन बेटी तुम्हारी चाची ताई बहन कुछ तो लग हूँ तुम्हारी तो भारत की नारी तो हूँ मैं कुछ ना हूँ चलो तुम्हारे भारत की तो हूँ मैं है कम से कम इतना तो सोच ले करो तुम के भाई है तुम्हारे भारत की महिला हम यहाँ के बारे में गलत बोलेंगे जब भी हमारे भारत में रहेगी और अच्छा बोलेंगे जब भी हमारे भारत में रहेगी रहूंगी ना रहूंगी भगा तो वो तुम दोगे ना भाई आज तो मैं कहीं जानते रहा तुम वो भगा दोगे या भगाने की तुम वो दोष दोगे रहूंगी तो मैं यही और वीडियो कैसी बात है क्या चैनल कम से कम 1 करोड़ चैनल बनना है भारत में तो भाई सब कोई सभी मैंने ऐसी ऐसी देखी है कि जो रात को गंद बनाओ इतना फैला में उनको तो तुम ना क्यों भैया उनको तो तुम एक दिन भी उनके जूम करके उनकी वीडियो ना बनाओ जो उनकी आंख खुले है चलो मेरे एक दिन गलती है गई तो तुमने मेरे इतना बड़ा शो बना दियो अरे तुम कम से कम इतना तो देखो कि भाई अगर जो महिला रोज ऐसे करती मैं रोज करती तो भाई तुम मेरी शौक से बनाते मुझे कोई दर्द ना हो इतनी बड़ी महिला आज तक माने मैं उनको भेजी वीडियो आज तक माने कही बेटा देख ऐसे ऐसे बात है ऐसे है रही है मैं माँ मैंने फिर उनको बताई कि बेटा मैं अपनी लाइफ में बोलूंगी कि भाई वाकी गलती ना वाकली ऐसा मत बोलो वाकी गलती ना है मैं बातें कहूंगी बेटा मैं सब में बोलूंगी लाइफ में तो तुम मेरा इतना मजाक बना रहे हो है इतने देर में तो तुम वीडियो बना दो भाई तुम भी महिला हो तुम भी एक भैया हो बहन तुम भी कहे के बेटा हो ऐसा ना बनाना चाहिए ना सोच समझ के बनाना चाहिए भाई मैं तुमको कभी गलत बोलू ना मैं तुमसे कुछ कहूँ ना कुछ भी आज तक कही है तुमको मैंने अच्छा तुम बताओ चलो मैंने कही है तुमको आज तक बताओ ना मेरे पीछे से तुम चौंक पड़ रहे हो मैं तो यही समझ में ना आ रहा आज तक मैं अच्छी हूँ मैं अच्छे खानदान से हूँ मैं जब तो मेरा आदमी ना कुछ ना कही और मेरे आदमी के नंबर पे व्हाट्सएप भी डाल हो गए और बार होता आदमी तो मार तो जानते हैं बताओ कैसी है मेरी जनानी है तुम तो मेरे घर में राड करवाना चाहो वो तो मेरे घर में राड हो गए ना और बार आदमी होता तो लड़ाई कर डर तो विश्वास है ना सबसे बड़ा का होगा विश्वास क्योंकि मेरे आदमी मुँह पर विश्वास है मैं इतनी चरित्रहीन ना हूँ कि जो अपनी चंद पैसे के लिए अपनी इज्जत दिखा दूंगी बाहर में जाओ चैनल फैनल देखो इज्जत सबसे बड़ी हो गया इज्जत इज्जत है तो इंसान अच्छा हो नहीं का इज्जत है वो का जो गलिन में कहते रोलो आती ऐसे भाई फलाने की वो ऐसी है भाई ठिकाने की वो इज्जत है वो इज्जत ना है मैं तो तुमसे यही कहना चाहूंगी भाई कि तुम ना मैं तुमको गलत बोलू ना तुम भाई मुझको गलत बोलो और रही सीमा की बात पुलिस केस चल रहा है कोर्ट केस चल रहा है भाई हमारा तुम्हारा बोल पंगा लेना का फायदा को है पुलिस केस चलो पुलिस अपना भाई अपना कोर्ट देखेगा हमारा कहा है सिर दर्दी है कोर्ट में अगर जो ना हो तो कोर्ट में तुम भी बोलो हम भी बोलो सब बोलो कुछ बोलने तो है कुछ ना है कोर्ट में चल रहा है सब कुछ कोर्ट करेगा फैसलो यही कहना तो
फ्रेंड्स, ये वीडियो देख के आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स में जरूर अपनी राय जताना। और मैं तो सिर्फ यही बोलूंगी, अगर ये इतनी शरीफजादी है और खुद को शरीफजादी बोलती है, बोलती है मैं इज्जतदार घराने की हूँ, आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, कभी मैंने ऐसे कुछ हरकत की थी क्या? अपनी सफाई पेश कर रही है। जब तू इज्जतदार घराने की है तो तेरे घर में भी एक सीमा आई है ना, तो क्या बहू बहू जब तुम्हारे घर में आई है तो वो इज्जतदार घराने से नहीं आई है, उसके लिए इज्जत बेच के खाना ऐसी बात है क्या? हाँ, तो जो तुम लोग उसको बढ़ावा दे रहे हो, तुम लोग जो सास बैठ के उसके लाइफ में दोनों सासे हंसती है, ये जो जो हरकतें करती है, किस तरह नाच गाना चलाती है, किस तरह अपनी बाजार सजा के बैठती है, तुम सबको पता है सीमा को क्यों ट्रोल किया जाता है, उसकी क्या हरकतों पे ट्रोल किया जाता है, सब पता होने पर भी तुम लोग उसको कितनी छूट दे चुके हो, तब इज्जत की बात नहीं आती है? जब जो सीमा हरकतें कर रही थी, तुम पे कीचड़ उड़ रहा है ना, क्योंकि तुम्हारी वो बहू है और तुम अपने आप को प्रूफ करती हो कि हम इज्जतदार घराने की है, तो इज्जतदार की घरानों की बहू बेटियां ऐसा करती है क्या? तो फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है बबीता जो अपनी सफाई दे रही है, सही सफाई दे रही है क्या? और आप लोग की क्या राय है, जरूर राय अपनी कमेंट्स में बताना। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखना।